और शहीद राम भर मंडल जी, आज महीने के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। शहीद राम भर मंडल को फांसी की सजा मुकर्रर हुई। सावन का महीना 23 अगस्त आने वाले, सज्जनों से निवेदन है, कुर्सियां खाली पड़ी है, कृपया आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। खाना है भागलपुर सेंट्रल जेल में, कृपया साथ हम शांति बनाए रखें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, आप सही ग्राम पर मंडल के वंशज है, दिल में वो तूफान है, हाथ में वो जज्बा है, बाजू में वो ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हो। साथियों, सही ग्राम पर मंडल जी ने 24 अगस्त 1942 ईस्वी को अंग्रेज देशियों का गठन काट दिया। काटने के बाद पूरे जिला में अगस्त 1942 ईस्वी को, और इतना ही नहीं, उसमें राजा राम मंडल, लीला मंडल, रक्तू मंडल, सूरज कुर्मी, असाफी कुर्मी, बंगाली मंडल, जमुना मेहता, नंदलाल मेहता, बुनीलाल राय, सहदेव राय, सुंदर मेहता, नेवी मंडल सहित दर्जनों लोग घायल हुए। साथियों, रीगा रेलवे स्टेशन की पटरी उसी समय उखाड़ने के लिए उखाड़ रहे थे। रामेश्वर सिंह, बंगाली मुनिया, मौजे सूरी, चुलाई ठाकुर, रामलोचन सिंह, रामदेव सिंह तथा राम पुकार तत्मा सहित दर्जनों लोग घायल हो गए। साथियों, तो मैं कह रहा हूँ साथियों, इतना ही नहीं, आजादी के आंदोलन में जो हम हमारे समाज का जो योगदान रहा है, राम अवतार मंडल, ग्राम बदनीस, जिला भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया। 1942 के सैनिक गश्त की टुकड़ी का गोली का निशाना बने। राम अवतार मंडल, जिला भागलपुर। रामेश्वर मंडल, ग्राम फागा, जिला भागलपुर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया और अंग्रेजी पुलिस की एक गोली का शिकार हुए। इतना ही नहीं, रामेश्वर मंडल, जन्म 1902, ग्राम परहार, जिला मुंगेर, बिहार। सेवने अवर के आंदोलन में भाग लिया। 15 फरवरी 1932 ईस्वी को तारापुर थाना पर तिरंगा फहराने के प्रयत्न में भाग लिया। उसी दिन पुलिस द्वारा किए गए फायर में गोली का निशाना बने। ललित मंडल, जिला मुंगेर, बिहार। मन उठाना चाहते हैं, इसका आत्मबल जो गिरा हुआ है, इस आत्मबल को हम उठाना चाहते हैं, और हम यह चाहते हैं कि हम लोग जो सम्मान के भूखे हैं कि कोई हमको सम्मान देगा, यह हम लोगों को पात्रभेद बनना पड़ेगा, खुद जगना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि शहीद रामपाल मंडल जी के जो वीरतापूर्ण कार्यों को देख को याद कर करके हम प्रेरणा लेना चाहते हैं, समाज को जगाना चाहते हैं, जगवाना चाहते हैं, आत्मबल पैदा करना चाहते हैं।
कि हम किसी के रहमो करम पर नहीं है, हमारा अपना भी इतिहास है, अपना भी वजूद है। फर्क से यही है कि हम लोगों में एकता नहीं है, हम लोगों में संगठनात्मक क्षमता नहीं है, हम लोग संगठित नहीं। इस माध्यम से, इस सम्मेलन के माध्यम से पहला तो उद्देश्य यह है कि अपने पुरखों को और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको हम सम्मान करें, उन सम्मान के आधार पर अपना मन, अपना ऊंचा करें, समाज के लोगों में आत्मबल पैदा करें, जगावें, ये उद्देश्य है। दूसरा ये उद्देश्य है कि जो सरकारी जो इसे मांगे होती हैं वो भी हम भी मांग करते हैं। राजधानी पटना में जो बहुत सारे पार्क हैं, मंडल उनका पिक्चर अवेलेबल है, केंद्रीय कारा है, निश्चित रूप से खरीद लेंगे, शहीद रामफल मंडल कारा किया जाए, ये मांग हम करते हैं। देना ना देना ये सरकार का काम है, लेकिन मांग हम करते हैं। लेकिन मूल उद्देश्य है कि हम आत्मबल समाज को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात, इस सम्मेलन के माध्यम से हमारी और भी कई मांगे हैं। जैसा पहला मांगे हैं कि धानुक जाति को पूरे भारतवर्ष में धानुक जाति या तो शेड्यूल कास्ट में है या शेड्यूल ट्राइब्स में है, सिर्फ बिहार में ही धानुक जाति बैकवर्ड क्लासेज नक्षर वर्ण में है। तो हम एक रूपता लाने के लिए, और हमारी भी स्थिति उसी जैसी है, हमारे लोग जाति भी छुपाते हैं और इनकी माली हालत बहुत ही शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी मामलों में यह जाति बहुत ही पिछड़ी है। इसकी आबादी अति पिछड़ा वर्ग में सभी जातियों से ज़्यादा है, इसके बावजूद भी इसमें कोई संगठित है ही नहीं। ये विभिन्न नामों से जाति के अंदर उपजातियों से बची, कोई इसको देखने वाला नहीं है। तो हम लोग मांग करते हैं कि इस जाति को, धानुक जाति को बिहार में भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। दूसरा, हम इस सम्मेलन के माध्यम से जहाँ तक शिक्षा की बात आती है, हम जानते हैं कि क्यों हमारी क्या कमजोरियाँ हैं। हमारी कमजोरियाँ हैं कि हमारे समाज में शिक्षा का घोर अभाव है और शिक्षा का यहाँ दोहरीकरण भी है, सरकार के, केंद्र के सरकार के स्तर पर भी और राज्य सरकार के स्तर पर शिक्षा का दोहरीकरण है। तो हम चाहते हैं कि संपूर्ण भारत में समान शिक्षा प्रणाली लागू किया जाए। हमारी तीसरी जो मांगे हैं कि वर्ष 2011 में जो जनगणनाएँ होने वाली हैं, उस जनगणना को हम जाति आधार पर करवाने की मांग करते हैं कि जब तक जाति, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की भी बात होती है तो कोर्ट कहती है कि कितने प्रतिशत कौन है, उसके आधार पर ना हम कोई फैसला लेंगे, तब ये बातें होती हैं। और हर एक जातियाँ जो है सो अपना अलग अलग दावा करती है, जैसे दावा करती है अगर सब दावे को जोड़ दिया जाए तो 400-500% जो हो जाता है। तो दूध का दूध पानी का पानी अलग करने के लिए हम 2011 की जनगणना को जाति आधार पर करने की मांग करते हैं। चुनाव नज़दीक है और एक हिस्सेदारी की बात होती है, जातिगत हिस्सेदारी की जो अभी परंपरा बन रही है, उसमें आप किस तरह का दावा कर रहे हैं? दावा हमारा ये है कि हमारी तो कोई पार्टी नहीं है, हम जानते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं वो पार्टी नहीं है, वो संगठित जातियां हैं। हमारी जाति संगठित नहीं है तो हम दावा करने से, भीख मांगने से भीख मिलता है, लेकिन फिर भी हमारी आबादी, हम कहते हैं कि 10.5% हमारी आबादी है, तो 10.5% की आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हम दूसरों को नहीं, हम अपने को ही संगठित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा होगा तो हम लोग देखेंगे। हम स्वयं डिसिप्लिन में रहे तब हम किसी को अच्छा मैसेज दे सकते हैं, कृपया इस पर ध्यान रखेंगे। कृपया प्रेस रिलीज पीछे से देंगे। अब जो कानून बनता है, किस्मत का ताला खुलता है संसद से, जहां कानून बनता है, लेकिन हमारा किस्मत का ताला संसद से ही बंद हो गया। जहां हमारे लिए कानून बनता है, हमारे लोगों ने कुछ नहीं बोला। साथियों, एक विकल्प है, ये जो मंच है, ये सारे लोग मिलकर हमको लड़ना होगा। टुकड़े टुकड़े में बटे रहेंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। हम तमाम साथियों से निवेदन करना चाहेंगे, जिस तरह से रामपाल मंडल जी ने देश के आन बान शान के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, चूंकि नहीं है अवेलेबल हो गया तो कहा एबुल नहीं है, आज एबुल हो गया तो
कथा सुटेबल नहीं है, और सुटेबल हो गया तो कथा कैपेबल नहीं है। उच्च शिक्षा महंगी हो गई, आईआईटी का फीस जो पहले 35,000 रुपए सालाना था 3 लाख रुपए सालाना हो गया, आईएमएम का फीस 10 लाख रुपए सालाना हो गया। क्या आप हम आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते हैं। पुनः गुलाम बनाने का साजिश रची गई, खिचड़ी चोखा खिलाओ, ठेल ठाल के पास करो, 8वां तक फेल नहीं करना है। अब सरकार कह रही है मैट्रिक तक फेल नहीं करना है। कहने का मतलब कि सिखाया जा रहा है शहीद राघव मंडल जी का सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब उनके द्वारा बताए गए देश प्रेम के रास्ते और जुल्म सहने से जुल्मी की ताकत बढ़ती है। जुल्म सहने से जुल्मी की ताकत बढ़ती है, चुपचाप रहने से हालत नहीं बदलती है, हालत नहीं बदलती है। साथियों अपने लिए संघर्ष करना होगा, अपने बच्चों के लिए संघर्ष करना होगा, तभी आने वाला समय, आने वाला भविष्य हमारा शुभमय होगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद श्री बिहारी मंडल जी, आपने समाज के लिए, समाज के भले के लिए काफी काम किया है। हमारे सामने में यज्ञ प्रश्न हो गया है। यज्ञ प्रश्न यह हो गया है, मैं यह सोच रहा था कि हमारे जितने जिलाध्यक्ष हैं, कम से कम हमारे समाज के यहाँ उपस्थित लोग कम से कम चेहरे से भी वाकिफ हो लें, क्योंकि ये लगभग 22 वर्षों के बाद ये पहला जमघट है जहां हम लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए। यह कोई आम बैठक नहीं है, यह बैठक कार्यकर्ताओं की बैठक है। हमारे जो संगठनात्मक लोग हैं 38 जिलों के अलावा बाकी है, लोगों को जगाना है, बात को समझाना है, इसी उद्देश्य से यह आया है। तो मेरा यह सम्मेलन करने का जो बाहर के लोगों को समझाने के लिए जो भी हो, लेकिन आपको समझाने के लिए यह है कि आप कम से कम इतने दिनों के बाद मिले हैं, कम से कम एक दूसरे को जान तो लें। आप कुएं में रहते थे, एक पंचायत के लोग भी दूसरे पंचायत जानते थे, और जो मना करने रहेगा तो हमारे सामने जो यह प्रश्न यह है कि एक को हमारे साथ लगभग 2 सालों से हमारे साथ लगातार काम किए हैं, जैसे कालेश्वर जी हैं, वार्ड पार्षद है पटना जिला के, हमारे साथ 2 साल से लगातार अनिल कुमार जी है, आखरे हैं 2 साल से लगातार हमको साथी हैं, डॉक्टर जेपी सिन्हा साहब हैं, ये हाल ही में चुने हैं, लेकिन जब से चुने हैं अपने दिल, और हमारे जो संगठन के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भरपूर साथ दिया है, जब से गगन जी हैं वहां बैठे हुए हैं, गगन देव मंडल जी हैं, भरपूर साथ दिया है, राधे मोहन जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रामचंद्रेश्वर बाबू बड़ी महारी हैं, बहुत बड़ी महारी हैं, धर्मनाथ मंडल जी हमको बहुत साथ दिए इस संगठन को खड़ा करने में, उनका स्वर्गवास हो गया, मीटिंग के बाद हम 1 मिनट का मौन उनके लिए रखेंगे। यह प्रश्न यह है कि मैं हमारे साथ जो 2 साल लगातार काम किए, मैं उनको मौका दूं कि हमारे नए नए अगर सुने, अभी बहुत सारे लोग नहीं लगे कि हमारे साथ जो काम किए हैं वो 2 साल लगातार, उनके मन में कई भावनाएं होंगी कि हमको भी लोग जानेगा, लेकिन हम उनसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, आपको कई साल जिन्होंने हमारे साथ गए हैं आपको सब जानते हैं, और आपके यहाँ ये लोग आए हैं, आपका सम्मान करना कर्तव्य है। इसीलिए हम चाहेंगे कि यज्ञ प्रश्न को हम निर्णय ले लें कि जो हमारे जिलाध्यक्ष आए हैं, कम से कम परिचय के तौर पर, भाषण और ये सब के तौर पर नहीं, हम ये जानना चाहते हैं परिचय के तौर पर, सब एक दूसरे को जान लें, पहचान लें, तब तो वहां से प्रेम की शुरुआत होगी। तो इन्हीं उद्देश्य के साथ हरिकिशोर महतो जी हैं, उनके लंका मनोज महतो जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे
सुपौल हैं, राजेंद्र महतो जी सुपौल हैं, सबको हम जानते हैं जिनको दिन रात हमारे साथ वो काम किए हैं संगठन खड़ा करने में। अगर हम इन लोगों को मौका नहीं दें तो वो लोग कहेंगे कि कोई राजनीति हो रही, राजनीति नहीं हो रही है, हम सामाजिक बात करना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे, समय कम है, सभी लोगों ने समय का ख्याल नहीं रखा, 10 बजे शुरू करना था, सब लोग नहीं आए, अब जाकर के एक समय हमारे जिलाध्यक्ष जो है, सभी जिलाध्यक्ष एक एक मिनट या दो दो मिनट में, यह कोई जरूरी नहीं कि आप सबका नाम लें, अगर सबका नाम लेंगे तो याद है जल्दी जल्दी शुरुआत करें। अध्यक्ष गांव के रहने वाला हूं और मैं पैसे से मुंशी का काम करता हूं और बहुत मैं अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूं कि इस जगह पर मुझे आने का मौका मिला और इसका श्रेय तो मंडल जी का शहीद मनाया जा रहा है, इस अवसर पर मुझे भी मौका मिला है बोलने का। मेरा नाम रमेश पटेल है, मैं वैशाली जिला का धानुक महासभा का अध्यक्ष हूँ, मेरा यही परिचय है। और मैं सभी भाई से आज इस किसमोहरे हॉल में मिलकर बहुत खुशी मतना जाहिर कर रहा हूँ और अध्यक्ष महोदय का भी इस पर मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह 22 वर्षों के बाद हम लोगों को एकत्रित करने का जो काम किए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राजेंद्र गुप्ता जी हैं, श्री राजीव रंजन और बैरून सिंह जी मुंगेर, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के माननीय प्रेमचंद किलार किरार जी और हमारे राष्ट्र के नेता, आए हुए नेता तथा यहाँ क्रिस मेमोरियल हॉल में सम्मान समारोह में सम्मिलित हमारे पूरे बिहार के धानुक भाइयों, मैं आप लोग का पटना के इस क्रिस मेमोरियल हॉल में तथा बिहार के सभी धानुक की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मेरा नाम राजीव रंजन उर्फ बैलून सिंह है, मैं मुंगेर जिला का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आज तक जबकि शैलेंद्र मंडल जी इसकी अध्यक्षता करने लगे धानुकों का, 2007 के दिसंबर माह 22 दिसंबर से मैंने जाना कि बिहार में भी धानुक का संघ है। उसके पहले जो भी अध्यक्ष रहे हो बिहार के, मैं नहीं समझता बिहार के किसी लोगों को पता होगा बिहार में भी धानुक का संघ है। इसलिए मैं आभार हूँ श्री शैलेंद्र मंडल का कि उन्होंने धानुक का, धानुकों के हर एक बस्ती में, बिहार के हर एक बस्ती में जाके अलग जगाया और ये स्थिति है कि हम लोग किस मेमोरियल हॉल को अपने धानुकों से भर दिए। हमारा अगला टारगेट होगा गांधी मैदान। दोस्तों, मैं इस संबंध में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं कि बहुत से वक्ता हैं, सबों से आप सुन रहे हैं कि धानुक का क्या उद्देश्य है, नहीं है, सारी बात आप लोग सुने हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है, आगामी समय में गांधी मैदान को पूरा धानुकमय कर देना है। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि एक एक आदमी, एक एक सौ आदमी को अगर लाते हैं तो 5 लाख की भीड़ गांधी मैदान में होगा और वहीं से धानुकों का संदेश पूरे बिहार में जाएगा। आज तक धानुक जो उपेक्षित जाति बनकर रहा है बिहार में, कल से पूजा जाएगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामदेव मंडल जी, श्री राजेंद्र गुप्ता जी अध्यक्ष लखीसराय, पेशे से वो ये अधिवक्ता हैं। श्री राजेंद्र गुप्ता जी, जोरदार ताली से स्वागत करिए। शैलेंद्र जी ने हमारा परिचय दे ही दिया, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, हम संगठन की ओर चले हैं। आपसे एक छोटी सी विनती हमारी रहती है, वह अपना महत्वपूर्ण क्षेत्र छोड़कर जाती है, अपना साक्ष्य छोड़कर जाती है और उसका महत्व कम नहीं किया जा सकता। इसलिए आपसे हमारी विनती है कि हमारे पूर्वजों ने जितना काम किया वह कम नहीं, उनके बाद जिन लोगों ने हमारा काम किया वो भी कम नहीं।
नहीं, आज से एक साल पहले जिन लोगों ने काम किया वो भी कम नहीं, और शैलेंद्र जी आए हैं अपनी पारदर्शिता के साथ वो भी कम नहीं, और भविष्य में जो हमारे लड़के बच्चे आएंगे वह भी कम नहीं, यह संगठन का मेन सूत्र होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामदेव मंडल जी अध्यक्ष दरभंगा है, रामदेव मंडल जी अध्यक्ष दरभंगा, अब वहां के आदरणीय आज इस रामफल मंडल जी के, शहीद रामफल मंडल जी के सम्मान में बुलाया गया सभा के सभापति शैलेंद्र राहू, हमारे दानुक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद जी करार, उपस्थिति मंचासीन हमारे दानुक समाज के पदाधिकारी एवं पूरे बिहार से आए हुए गली गली गांव गांव शहर से उपस्थिति हमारे दानुक समाज के पुरुषार्थी बंधुओं माताओं बने, मैं लगभग एक साल पहले माननीय शैलेंद्र राहू से मुझे परिचय हुई, साथ में हमारे उपाध्यक्ष महोदय केसरी साहब मिले थे, हम लोगों ने दरभंगा से परिचित होकर और शैलेंद्र राहू के हृदय में जो प्रकाश ज्वाला था उससे हम मुझे भी जोड़ दिए। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और क्या कहूँ, उस खुशी की हालत मैं मुंह से नहीं बोल सकता, इतना मैं स्वाभिमानी बन गया। हमारे समाज में जितने भी कुरीतियां हैं वो इसी माध्यम से हम हर एक चीज पर में उसको समाधान कर सकते हैं। आज खासकर हम अपने समाज के तरफ से, दरभंगा जिला के दानुक समाज के तरफ से हमारे शहीद रामफल मंडल जी को मैं हार्दिक सम्मान करने आया हूं और उसका आप लोगों के सामने प्रकट करता हूं। दरभंगा जिला के दानुक समाज सहृदय रामफल मंडल जी के शहीद को सम्मान करता है और इस शहीद का दिया मुझे नहीं, ये कुर्बानी हमारे नवजुवक में स्थापित हो और अपने माँ बहनों की रक्षा के लिए, बलिदान के लिए जागरूक हो, इस ये जो प्रकाश है, ज्वाला है, इसका मशाल है, वो दरभंगा जिला के हर धानु समाज स्थापित करने के लिए व्यग्र है। अभी मेरा नाम रामदेव मंडल, मैं दरभंगा जिला के उगरा गांव के निवासी हूँ और अभी कुछ नहीं, रिटायर्ड अवस्था में जो हो सकता है समाज के साथ मिल करके जनप्रतिनिधि का काम करता हूँ, यही मेरा परिचय है, यही मेरा उद्देश्य है। और हम दरभंगा जिला के दानुक समाज के तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को और शैलेंद्र बाबू को आश्वासन देता हूं कि उनके साथ निसंकोच 24 घंटा हम लोग तत्पर रहेंगे, ये मेरा सहभागी बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव मंडल जी। अब हम बेतिया जिला अध्यक्ष श्री अशरफी महतो, श्री अशरफी महतो जी बेतिया जिला अध्यक्ष, चलिए आइए जल्दी जल्दी। आदरणीय आज के सभा के सभापति महोदय एवं प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र मंडल जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष
और मंच पर बैठे हुए सारे अतिथिगण और इस प्रदेश के जिला अध्यक्ष तथा प्रदेश के हर जिला से आए हुए सौजातीय बंधु आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। स्वीकार हो बंधुओं, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूं। मेरा नाम अशरफी महतो, ग्राम श्रीनगर, थाना नौतन, जिला पश्चिम चंपारण के बेतिया जिला के जिला अध्यक्ष हूँ। बंधुओं, फूल अलग अलग खिले हैं फूलवाटिका में, फूल अलग अलग खिले हैं फूलवाटिका में, लेकिन उसको तोड़ करके माला बनाने का काम हमारे शैलेंद्र भैया कर रहे हैं। तो अगर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उस माला को किसी के गला में डाल दिया जाए तो कितना शोभा बढ़ाएगा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं। बहुत समय तो कम है। हाँ। लेकिन बहुत ही कम ही समय में मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि कब तक हम गफलत की नींद में सोएंगे, कब तक हम गफलत की नींद में सोएंगे। तो इसी पर कहा गया है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहां। अब हमारे भैया शैलेंद्र जी कर रहे हैं, अब हम कि व्याधान इस्लाम खतरे में है, जब ऐलान कर दें तब अगर अब हम सब एक हो जाएंगे तो हमारी माला बन जाएगी। यह माला किसी की गाला में पड़ेगी तो शोभा बढ़ाएगी और हमारी मान मर्यादा बढ़ेगी, हमारी मांग पूरा होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम रखता हूँ। जय हिंद। श्री नरेंद्र कुमार, हम थानुक है इस बात को गर्व से आप कहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली। चलिए, श्री नरेंद्र कुमार जी नालंदा, जल्दी जल्दी। रामफल मंडल जी के शहादत दिवस के अवसर पर आए हुए हमारे मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम चंद किरार जी, प्रदेश के हमारा जो समाज है वह समाज हर समाज से पीछे हो चुका है। इसके लिए हम लोग एक संकल्प लेने की जरूरत है, तभी हमारे समाज में नए रोशनी आएगी, नया राह पैदा लेगा, तभी हम तमाम धर्म समाज के रास्ता की ओर बढ़ेंगे और एक अच्छे प्रगति के रूप में हमारे समाज बिखरेगा। साथियों, हमारे जो समाज है, समाज में ऐसे लोग थे मंडल जी के पैरों में पैरों मिला करके नहीं चलेंगे जब तक हमारा समाज का कल्याण होना मुश्किल है। साथियों, हम लोग एकजुट होकर के हम लोग जिस तरह से भूख पैदा होता है उसी तरह से हम लोग को समाज के प्रति भूख पैदा होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं साथियों। नहीं तो हम लोग 60 साल बीत जाने कहां कहां हमारे लोग खोए बैठे हुए हैं, कहां बैठे हुए हैं। इसके लिए हम लोग को जागने की जरूरत है साथियों, तभी हम लोग को एक रास्ता मिलेगा। साथियों, बहुत से वक्ता हैं, अब मैं इंजीनियर शैलेंद्र जी उद्घाटन करता, हमारे श्री प्रेमचंद किरार जी
मंच पर हमारे बात इस धर्म समाज के बारे में बोलना चाहता हूँ। नहीं राजेंद्र बाबू, समय कम है, हमारे बहुत देश लोग आए हुए हैं, उनका हमको सम्मान करना है, तो आपकी बात। मैंने धानु समाज को उठाने का कौन कौन सा काम किया था सुपौल जिला में, मधेपुरा में, उस समय सहरसा जिला था, लेकिन इस धानु समाज को एकता नहीं होने देने वाले लोगों का नाम मैं गिना सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र बाबू, ठीक क्षमा चाहेंगे राजेंद्र बाबू, जय हो गया मुझे नहीं हम क्षमा चाहेंगे राजेंद्र बाबू, बहुत आगे बढ़ना है। मैं दोबारा बोलने के लिए कुछ दिया जाए, अवसर दिया जाए, मैं इस धानुक समाज से कहना चाहूंगा, मुझे बोलने के लिए अवसर दिया जाए। सबसे पहले गर्व से कहो कि हम धानुक हैं, धानुक हैं, गर्व से कहो कि हम धानुक हैं, धानुक हैं, गर्व से कहो कि हम धानुक हैं, धानुक हैं। मेरे समाज के लोगों, मैंने 1966 से इसकी स्थापना की थी। राजेंद्र बाबू क्षमा करेंगे, मुझको मालूम है कि आप 2 घंटा मत संभाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है। हाँ मैं एक बात और, इसीलिए आप कंक्लूड कर दें जल्दी। ठीक है, आदेश का पालन मुझे करना होगा। मैं राजेंद्र महतो प्रदेश उपाध्यक्ष उत्थान महासंघ एवं कार्यकारी इस भ्रमण का धान फल मंडल हमारे है। जय धान राम सूरत मंडल अध्यक्ष सीतामढ़ी, श्री राम सूरत मंडल अध्यक्ष सीतामढ़ी जल्दी आए। शहीद राम फल मंडल, शहादत धानुक समाज के पदाधिकारीगण एवं आज के बिहार के कोने कोने से आए हुए धानुक समाज के माता और बहनों, क्रांतिकारी सर क्रांतिकारी का निर्माण हो रहा है, उस पुल का निर्माण जब उस गांव में गए, लोगों ने मांग की थी कि अध्यक्ष इस बात को आप मन पर रखेगा कि उस पुल का नाम नवीकरण शहीद राम फल मंडल के नाम से हो, इसलिए इस प्रश्न को नोट किया जाए और सरवाना पुल का नाम नवाकरण शहीद राम फल प्रस्ताव के समर्थन में हाथ उठा दिया। जब रामविलास पासवान रेल मंत्री थे उस समय में शहीद रामफल मंडल के नाम से डाक टिकट जारी हुआ था, वो अभी काफी स्थिति में है, उस पर भी विचार होना चाहिए। और अंत में हम परिचय क्या दे, हमारे जिला के कई साथियों ने जैसे सियाराम मंडल शहीद के और साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय धानुक समाज। राम सुरेंद्र राय अध्यक्ष बेगूसराय आए हैं, प्रभारी अध्यक्ष, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत धन्यवाद। हाँ जयनाथ मंडल जी अध्यक्ष मधेपुरा, प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, इस सभा के अध्यक्ष सलंदर भाई, सबसे पहले मैं एक शब्द में कहना चाहता हूं कि हमारे धानुक समाज के जो भी पूरे बिहार से आए हुए हैं उसे मैं आग्रह करूंगा सर्वप्रथम अपना संगठन करने का। बहुत बहुत हम लोग में संगठन नाम का चीजें नहीं। मैं एक शब्द में और बोलना चाहता हूं, कहीं पूरे बिहार में कुछ भी होता है वहां संगठित होइए, सब आदमी जाएंगे मिलकर देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नरनाथ मंडल सर, श्री नरनाथ
मंडल सहरसा। जल्दी आइए कि नहीं है पता नहीं। अच्छा दिनेश कुमार प्रभारी अध्यक्ष मुजफ्फरपुर बनाए हैं, यंग आदमी। श्री दिनेश कुमार प्रभारी अध्यक्ष नहीं आए, जल्दी आइए। आप वहां क्यों बैठे रहते हैं? जब आप पूरा क्लास चलेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इस मंच के संचालक सरेंद्र मंडल जी, इनके एक अपना सर हम धानुक समाज में एकत्रित हुए हैं और हम नौजवान साथियों से कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि किसी भी क्रांतिकारी करने के लिए नौजवान ही आगे होते हैं और इस नौजवान आगे होने के लिए ही धानुक समाज आगे हो सकता है। इसके साथ मैं बयान देता हूँ, प्रत्येक जिला से आए हुए जिला मेरे अध्यक्ष सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग जो रास्ता बताएंगे, जैसे बताएंगे, उससे चलने के लिए हम अपने जिला को तत्पर हैं। जय धानुक समाज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम नरेश मंडल जी हो गए, बहुत कम बचे। कुंवर देव प्रसाद जी छपरा नहीं आए, अभी लगता गाड़ी उनका ले। अच्छा सीमा देवी जी नहीं आई हैं मधुबनी से, तो इसी के साथ मैं कुंवर देव प्रसाद अध्यक्ष छपरा, इनकी माँ का देहांत हो गया था इसके कारण से इस पर भी बाधा पड़ी है, लेकिन कुंवर देव प्रसाद जी अध्यक्ष छपरा और छपरा जिला का संगठन हमारा गांव-गांव तक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद किन्नर जी और कि इस मंच को उपस्थित सम्मानित अपने सज्जन पूरे बिहार के हर कोने से शहीद रामफल मंडल पैदा हो सकता है, उस खे...
कहना चाहता हूं, अगर आपको सम्मान चाहिए, आपको अच्छी जिंदगी चाहिए, बिहार में अन्य लोगों के तरह जीना चाहते हैं, तो मैं उनको भूलना नहीं चाहता हूं। यही हमारा मंत्र है। वह मंत्र है कि जिस दिन बिहार के धानु पूर्व के धानु पश्चिम को चीन जाएगा, जिस दिन दक्षिण का धानु उत्तर के धानु को चीन जाएगा, उसी दिन बिहार में धानु का किस्मत का ताला खुल जाएगा। इस पर कोई राज नहीं कर सकता है। मैं बहुत कम समय है, मैं वक्त ले रहा हूं, लेकिन दो शब्द जरूर कहना चाहता हूं। हम धानु हैं, पहचान बनी तमाम जिला के धानुकों का, जिला अध्यक्षों का, आपसे मेरी परिचय हुआ। इसी तरह से संगठन बनता है। राजेश्वर प्रसाद जी, उनका भी अब स्वागत करेंगे। बिंदेश्वर मंडल जी, आप राजेश्वर बाबू को माला बनाइए। हाँ, अब हमारे बेगूसराय के हमारे प्रभारी अध्यक्ष श्री राम सुमिरन राय जी आ गए, लेट से आए हैं, परिचय देते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। मैं राम सुमिरन राय बेगूसराय जिला अंतर्गत रतियाही पुराना टोल मटिहानी प्रखंड से आता हूं। मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूं। सब लोग आ रहे हैं और आ भी गए हैं। साथियों, हम थोड़ा लेट से पहुंचे हैं और लोगों की बात को मैं सुन नहीं सका, लेकिन अभी हम शहीद रामफल मंडल के शहादत दिवस पर और सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। हम आज बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे समाज के लोग इस कृष्ण मेमोरियल हॉल को एक एक कुर्सी को भर दिए हैं और बाहर भी बहुत भीड़ है। हम इतना उम्मीद नहीं करते थे, चूंकि मैं बेगूसराय जिला से आता हूँ। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पूरे बिहार के लोग, हमारे समाज से धानु समाज के लोग आए हुए हैं, लेकिन खास करके हमारे बैगुन बाबू भी हैं यहाँ। खगड़िया और बेगूसराय के धानु अभी भी अपने को धानु के अति में श्रेणी में अपने को नहीं गिन रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। जबकि और हम ये जितना हमारे साथ अभी आदमी आए हैं, ये इतना ही बहुत कष्ट से बहुत मेहनत के बाद आए हैं, क्योंकि अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपना रंग बदल चुके हैं। भेड़िया के तरह कहते हैं कि नहीं, हम धानुक नहीं, हम कुर्मी हैं, जबकि ऐसी बात है नहीं। इंजीनियर शैलेंद्र मंडल से कह चुके हैं कि बेगूसराय के लोगों को और खगड़िया के खासकर के लोगों को बहुत जगाना पड़ेगा, बहुत प्रेरित करके जगाना पड़ेगा कि मैं कुर्मी नहीं, मैं धानुक हूँ। और गर्व से हमको कहना होगा कि हम कुर्मी नहीं, हम धानुक हूँ, क्योंकि अभी तक हमारे बिहार में, हमारे प्रांत में और इस धरती पर बहुत सारे जात हैं। पासवान अपने को दुसाद कहने में नहीं शर्माते हैं, मोची अपने को मोची कहलाने में थोड़ा सा भी नहीं हिचके जाते हैं, लेकिन हम अपने जात को, जिस जात में हम जन्म लिए हैं, जात का नाम लेने में हमको अपने आप में शर्म आती है। ये बहुत दुखद बात है। इसलिए इतने सारे लोग आए हैं, हम अपने नेता से अभी फिर अनुनय विनय के साथ कहेंगे, बेगूसराय और खगड़िया में जरूर जाएं और अपने लोगों को जगाएं और अपने को अपनी पहचान बनाने के लिए इसमें जात करने से कोई अतिय नहीं है। और हमारे जात के लोग अभी तक अपनी शक्ति को नहीं पहचान सके हैं। खास कर करके अभी ललन बाबू बहुत देर से बोल रहे थे, अब थोड़ा सा कुछ सुने।
लेकिन जो आबादी है हमारी आबादी के अनुसार हमको सत्ता में या हर चीज में जो हमको भागीदारी मिलनी चाहिए। जब तक हम लोग जगेंगे नहीं, जब तक हम लोग अपना अधिकार नहीं मानेंगे, तब तक सवाल ही नहीं उठता, संभव नहीं है कि हम अपने हक हकों की लड़ाई को आगे बढ़ा सके, हम अपने अधिकार को किसी से छीन सके। आबादी में जो बहुत कम हमसे है, फिर भी शासन में, राजनीति में, हर चीज में हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि हम अभी तक कुंठित हैं। हम अपने जाति को जब तक समाज के सामने, अपने अति के सामने नहीं ला देंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाकी बहुत वक्ता हैं अभी हमारे सामने, बिहार से बाहर के लोग, हमारे समाज से हमारे जात के नेता लोग आए हुए हैं, उनकी बात को सुनिए। हम तो आपके बीच के आदमी हैं, हम तो बराबर आपसे मिलते जुलते रहेंगे। हमसे गलतियां हुई हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता पूर्व मंत्री माननीय श्री हीरालाल इंदौरा साहब जो प्लेन से आए हैं, लगता है कि हम लोगों ने उनका माला से स्वागत नहीं किया है। तो हम चाहेंगे कि श्री संजीव कुमार मीडिया प्रभारी बिहार प्रदेश, श्री बालेश्वर सिंह, श्री बलराम सिंह और सतीश चंद्र मंडल जी दरभंगा, चारों आदमी माला लेकर के उनका स्वागत किया जाए। घूम घूम करके माननीय हीरालाल इंदौरा साहब ने समाज को गोलबंद करने का काम किया है, जोरदार तालियों से स्वागत किया। हीरालाल इंदौरा जिंदाबाद, हीरालाल इंदौरा जिंदाबाद। अब कार्यक्रम को हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हुए, हमारे जिलाध्यक्ष छूट गए हैं और वो हृदय स्थली राजधानी बिहार की राजधानी पटना के हमारे जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ के पार्षद हैं, किस्मत साथ देंगे तो यहाँ का मेयर भी बनेंगे, श्री बालेश्वर सिंह जी, जोरदार ताली से स्वागत किया। परमादरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद जी, हमारे बिहार प्रदेश धान महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर सुनेंद्र मंडल जी, भारत के कोने कोने से आए हमारे समाज के नेतागण, बिहार प्रदेश के हर जिला से आए हमारे समाज के अध्यक्षगण उपस्थित, हमारे समाज के साथी, हमारी माँ, हमारी बहन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से दो ढाई साल पहले इंजीनियर सुरेंद्र मंडल जी ने हम लोगों को खोजा। पहले भी मेरा संगठन था, आज से 20 साल पहले भी मेरा संगठन था बिहार में, लेकिन वो मेरा संगठन हमारे नेता लोग, हमारे समाज के चाटुकार लोग एक गांव में, एक शहर में, एक मोहल्ला में इस संगठन को तोड़ मरोड़ कर चला रहे थे। जब इंजीनियर साहब के का एक नेतृत्व हमारे समाज के लिए बिहार में आया, बिहार के लिए कहना चाहता हूं, अगर खगड़िया के साथ यहाँ आए होंगे तो, अभी कुछ दिन पहले खगड़िया में कांड हुआ था जहां हमारे समाज के 10 लोगों को मार दिया गया था, 14 लोगों को। हम लोगों ने हमारे अध्यक्ष जी और हमारे 3-4 साथी लोग, अध्यक्ष लोग खगड़िया की ओर गए, 10 लोग गए, रात्रि में वहां पहुंचा, जबकि बहुत भयानक स्थिति थी। कुछ लोग खगड़िया टाउन में हम लोगों को बोल रहे थे कि जाने लायक नहीं है, फिर भी हम लोगों ने खगड़िया उस गांव में गया। जब वहां के लोगों को हम लोगों ने परिचय दिया, हमारे अध्यक्ष जी ने परिचय दिया,
कि मैं धार्मिक उत्थान महासंघ का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और ऐसा ऐसा कांड हो गया हमारे समाज के साथ, ये आप लोगों से अपना दुख दर्द बांटने आया हूँ। उस गांव के लोगों ने अपसेट ही नहीं किया, वो बोला कि कुर्मी मारा गया है, जिन घरों में मारा गया वो बोला कि कुर्मी मारा गया है। बहुत दुख की बात है दोस्त, बहुत दर्द हुआ हमें। हम लोगों ने दो घंटा तक अध्यक्ष जी बुरा नहीं मानेंगे, थोड़ा दो चार मिनट समय लेंगे, लास्ट लास्ट तक आते वक्त दो घंटा उस गांव का दौरा किया हम लोगों ने और अंत तक हम लोगों की धारणा रही कि एक शब्द भी वो कह दे कि मैं धार्मिक हूं, लेकिन नहीं बोला। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि इसे हार नहीं माननी है, हम लोग प्रयास करेंगे, लड़ेंगे, जुटता लाने के लिए दौड़ा करेंगे, संघर्ष करेंगे। आपको मालूम होगा कि कुछ समाज के लोगों ने हमारे समाज को तोड़कर शासन किया और शासन पर जाने के बाद हमारे समाज को अलग थलग कर दिया। तो मेरा एक ही मानना है कि हम लोग एकजुट हो गए हैं। मैं आत्मा से कहना चाहता हूं, मेरा आत्मा यह कहता है कि बिहार में बहुत बड़ी मजबूती आएगी। मैं अपने राष्ट्रीय नेताओं को भी कह दे रहा हूं कि बिहार में बहुत बड़ी मजबूती आएगी। हम दिल्ली के शासन में रहेंगे, बिहार में हमारा शासन होगा, लेकिन तब हम एक होंगे। आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज हमारे समाज के, ये बात मैं मीटिंगों में भी कह रहा हूं, हमारे समाज की बहुत सी शाखाएं हैं जिनकी जानकारी हमें भी दो ढाई साल पहले नहीं थी। हमारा समाज के कुछ शाखा बहुत आगे है, कुछ शाखाएं बहुत पीछे हैं। तो मैं एक बात इस मंच से कह देना चाहता हूं कि जितनी भी शाखाएं बिहार में है वो मिलजुल कर एक दूसरे शाखाओं में जुड़ने की कोशिश करें, एक दूसरे में जाने की कोशिश करें, तभी हमारा समाज मजबूत होगा, हमारे समाज में मजबूती आएगी और हम इसे एक शपथ के रूप में लेंगे। इसी के साथ, समय बहुत कम है, 4 बजे तक हॉल है, इसी के साथ मैं अपने सही साल रामफल मंडल जी को सम्मान देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और एक बार आप लोग बोलिए धानुक एकता जिंदाबाद, धानुक एकता जिंदाबाद, गर्व से कहें हम धानुक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं, हम जानते हैं कि हमारे साथी बहुत उतावले हैं, जिला में हर एक जिला में संगठन बन गए हैं, 10 जिला बाकी है, 2 महीना में हो जाएगा। तो हम प्रमंडल वार प्रशिक्षण शिविर चलाएंगे और जितना पेट में बात है सब उगल पाएंगे। तो अब तो हम जिनको समय देंगे सिर्फ परिचय के लिए समय देंगे, वो ये भाषण नहीं देना है, सिर्फ परिचय देना है। श्री अनिल कुमार वार्ड पार्षद और हमारे मीडिया संयोजक हैं पटना के, श्री अनिल कुमार। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट आलमपुर गांव पटना में निवास कर रहा हूं, पटना नगर निगम के वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 22 के, और आज पटना के गांधी मैदान में शहीद रामफल मंडल सम्मान समारोह साधारण सम्मेलन में अपने ओर से, अपने समाज की ओर से, अपने माननीय गार्जियन स्वरूप प्रेमचंद किरार जी
संजीव कुमार, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी पटना के निवासी के रहने वाला हूँ। ऐसे मेरा जन्म स्थान जो है नालंदा जिला अंधी के रहने वाला है। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर सुरेंद्र मंडल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और आए हुए जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। और एक भेड़िया नहीं चाहिए, गड़ेड़िया चाहिए, तो आप तय कीजिए। जबकि आपका गड़ेड़िया ये है तो भेड़िया क्या होगा? इंजीनियर सलन मंडल जी एवं राष्ट्रीय स्तर से आए हुए प्रेमचंद किरदार जी, मैं इस कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुझे जो बोलने का सबसे बड़ी बात है कि आज सब समाज के लोग अन्य जातियों के लोग इतनी तेज रफ्तार से शारीरिक मानसिक शैक्षणिक सभी आर्थिक रूप से इतने डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज नहीं डेवलप कर रहा। इसका कारण यही है, आपस में हम लोग शाखावाद में बटे हुए हैं, किसी को कोई भेंट नहीं देते हैं। समाज में अगर कोई कुछ आगे बढ़ने के लिए चले तो वहाँ राजनीतिक विखंडन हो जाता है। पिताजी श्री महेश मंडल, दादाजी श्री महादेव स्वर्गीय महादेव मंडल जी, मैं पेशे से शिक्षक हूं। हम सुनने के लिए आए हैं, बोलने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं आए हैं। हमारे जो यहाँ राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश के हमारे सलेंदर बाबू हैं, उनका सुनने आए हैं। और सलेंदर मंडल जी ने जो दीप जलाया है, पिताजी का नाम सुनेंगे डॉक्टर प्रसाद, बड़ी पहाड़ी का रहने वाला हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र मंडल जी के अगुवाई में इस मॉडल हॉल में ये सभा का आयोजन किया गया है, उसके लिए हम आभारी हूँ। हमारे बाईसी पंचायत जो बाईसी पंचायत बहुत सा अधिकार है। मुरारी प्रसाद जाना बाबू जल्दी। मेरा नाम मुरारी प्रसाद है और मैं जहानाबाद जिला के अंतर्गत थाना के बहुत अच्छे कार्य करता है और पेशे से मैं शिक्षक हूँ और जहानाबाद जिला के प्रधान महासचिव हूँ और प्रदेश में संगठन मंत्री हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रमोद कुमार जहानाबाद। परम आदरणीय अध्यक्ष जी एवं विभिन्न स्टेट से आए हुए हमारे गार्जियन स्वरूप अध्यक्ष जी, उद्घाटनकर्ता एवं विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे जात सदी समाज के लोग जो बहुत दिक्कत तकलीफ सह करके यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने एकता के परिचय देने के लिए, मैं उन सभी लोगों को पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं एक बात की ओर ध्यान देना दिलाना चाहता हूँ समाज को कि जिस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा है कि हम समाज के लोग सबसे पहले शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करें। शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़।
अन्य महानुभाव तथा बिहार राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए बंधुओं, सर्वप्रथम मैं अपना श्रद्धा सुमन सहित रामफल मंडल जो हमारे जैसे अति पिछड़ा समाज के लिए प्रेरणादायक हैं उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तत्पश्चात उनको इतने वर्षों के बाद याद करने के लिहाज से पटना में एकत्रित हुए आप धार्मिक बंधुओं का भी मैं आभार करता हूं। मैं अपने अनुज सदृश शैलेंद्र कुमार को भी धन्यवाद इसलिए देता हूं कि मुझे विजातीय होते हुए भी परंतु मैं संवर्गीय हूं इस नाते उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया, इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। बंधुओं, यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं इसमें राजनीतिक रूपरेखा नहीं खींचूंगा, परंतु चूंकि वह वैसे व्यक्ति वैसे पुरुधा के लिए सम्मान समारोह है जिन्होंने आज की स्थिति में जो हम लोगों की सामाजिक स्थिति है उससे आप वाकिफ है, इतने वर्षों पहले भी कम शिक्षित होने के नाते इतना मनोबल और इतनी सुदृढ़ सोच के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर जहां इन छोटी जातियों को अफसरों के सामने आंख में आंख मिलाकर बात करने में कलेजा थरथराता है, वहां उन्होंने अनुमंडल अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद रहने वाले व्यक्ति की फरासा से हत्या कर दी, यह कम गौरव की बात नहीं है। अगर आप अपने उन महान भूतों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं तो आप उनके जैसे दृढ़ सोच, उनके जैसा मनोबल और उनके जैसा भविष्य निर्माण के लिए अपनी दृढ़ता को आगे रखकर अपने कदम को आगे बढ़ावें, तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बंधुआ, मनुष्य अपने समाज और अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अगर आप इस सम्मेलन के माध्यम से शहीद रामफल मंडल की सोच को, उनके मनोबल को, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को अपनाकर अपना पथ प्रदर्शन का काम स्वयं करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। बंधुओं, इसके लिए आपको स्वयं आगे बढ़ना होगा। बंधुओं, आज समाज में हम लोगों की स्थिति इतनी दयनीय इसलिए है कि हम समाज के जो मूलभूत आधार हैं मजबूती के, जैसे सामाजिक अस्तित्व, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि, इन तीनों में पिछड़ा है, पिछड़ा ही नहीं अत्यंत पिछड़ा है। इन तीनों के लिहाज से ही हम लोगों का नामकरण भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग किया गया है। बंधुओं, मैं भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से ही आता हूँ, मैं जाति का केवट हूँ और मधुबनी जिला का रहने वाला हूँ। संप्रति मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में ADM हूँ और अभी भी कार्यरत हूँ। बंधुओं, अगर आप इन तीनों पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करके और इसकी समृद्धि के लिए ये आगे बढ़ते हैं, अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, दूसरे दबंग व्यक्तियों से आंख में आंख डालकर अपना हक मांगते हैं और जैसा कि हमारे आदरणीय श्री जतन बाबू ने कहा कि हक मांगने का अधिकार आपको तभी होगा जब आप शिक्षित होंगे। कौन सा अधिकार हमारा है, कौन सा अधिकार किसका है, नागरिक होने के नाते तब आपको समझ में आएगी ये बात। बंधुओं, शिक्षित होइए और इन तीनों पहलुओं को पहले
मजबूत कीजिए और आगे बढ़िए। आजकल प्रायः नेता लोग कहा करते हैं कि जाति से जमात की ओर चलो। बंधुओं, व्यक्ति स्वयं अपने पैर से चलता है और पैर चलता है मजबूत आता है तब कोई दूसरा सहारा देता है। वैसाखी के सहारे बंधु आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए जात जन है आपका पैर है और जात यदि मजबूत होगी तभी आपको दूसरा समाज भी आदर देगा। आपकी उन्नति के लिए आपका रास्ता रोकेगा नहीं, आपको डांट कर अपमानित नहीं करेगा, सामाजिक एकता के नाते आपके वर्चस्व को कबूल करेगा। इसलिए बंधुओं मैं कहता हूं कि जाति को पहले मजबूत करो और इसके आधार पर जमात की ओर चलो। जमात को इग्नोर करके निश्चित रूप से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन समान विचारधारा, समान सामाजिक हैसियत, समान शैक्षणिक स्तर, इन सब आदि पहलुओं को मिलाकर हम एक जमात बनावे और उस जमात के सहारे जो आज तक हम लोगों के मठाधीश स्वयंभू बने हुए हैं उनको दरकिनार कर हम अपना वर्चस्व स्थापित करें। यही बंधुओं इस समारोह के माध्यम से हमारा ये आप लोगों से आग्रह है। मैं शैलेंद्र जी को बहुत पहले से जानता हूँ, आज से नहीं जानता हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि हम और शैलेंद्र जी प्रायः एक ही जगह के हैं। हमारी दूरी घर की मुश्किल से 6 किलोमीटर तक है और विचार भी समान रूप से एक है। इसलिए आपको बहुत ही जोशीला, उत्साही और सुलझा हुआ व्यक्ति मिला है नेतृत्व करने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप उनके पैर को लड़खड़ाने नहीं दे। एक वेदना वेद व्यास चेतना समिति के अध्यक्ष के नाते भी मेरा अनुरोध है। और मैं चाहता हूं कि जब तक आप संख्या संख्या की दुहाई देते रहेंगे, संख्या से बंधु कुछ नहीं होता है। प्रजातांत्रिक माहौल में कि आपकी संख्या एक है, दूसरे की संख्या भी एक है, तो मत का मतलब उतना होता है, परंतु मत का सदुपयोग हो, मत का उपयोग भी हो, मत सही समय से डाले जाए, ये जब तक आप अपने को स्थापित नहीं करिएगा सभी से तब तक कर नहीं पाइएगा। बंधुओं में छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जंगल में बहुत सारे जानवरों की संख्या करोड़ों में रहती है, परंतु शेर की संख्या नगण्य रहती है। जंगल का राजा बंधु मात्र शेर होता है, अन्य जानवर नहीं। अगर संख्या से होता तो अन्य पर राजा होता। इस बंधुओं आप अपने कलेजा को, अपने दिमाग को और अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत कीजिए, तब आगे बढ़ने की तमन्ना करिए और तमन्ना करने के बाद निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। यही मेरी शुभकामना है इस सम्मेलन के माध्यम से। और बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर दराज से आए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सामने में देख रहे हैं सत्यनारायण मंडल जी हैं, हमारे गार्जियन बंसीलाल मंडल जी हैं, हमारे साथी रामजी बाबू हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसमें समय ज्यादा लगेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और दूर दराज से हमारे धनक समाज के भाई, हमें हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम रामोदन सिंह है, मैं बिस्कुर जिला धानक उत्थान का अध्यक्ष हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ बिहार में धानक समाज एक मंच रहे और उसका हम लोग तहे दिल से उसको साथ देंगे। हम भोजपुर से अभी हम ठीक है, धन्यवाद, 15 को बस लेकर आए हैं बहुत, और हमारे धार्मिक समाज भाई उत्साह के साथ इस सम्मेलन में बहुत 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 रामचंद्र बाबू जोरदार तालियां बजाते हैं। अब भोजपुर की एक बच्ची कहना चाहती थी, ओ कहाँ ठीक है। अब मैं बाहर से आए साथियों को सम्मान करने से पहले एक आदमी को और जो हमारी नजर में है, डॉक्टर जे पी सिन्हा साहब, इन्होंने काफी देखिए 4 महीने से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन 4 ही महीने में इन्होंने 4 वर्ष का काम किया है हमारे साथ। आप पेपर में जो एडवर्टीजमेंट देखे होंगे,
वो डॉक्टर जय कृष्णा ने ही डाला है। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्या नाम है संगीता, जल्दी से राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद की रात। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष एवं सभी जिले से आए अध्यक्ष महोदय को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और इस मंच और इस सम्मेलन में जितने लोग भी उपस्थित हैं उन लोगों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं धानुक की बेटी हूँ। मेरा नाम अनीता कुमारी है। मैं भोजपुर जिले की निवासी हूँ। मैं इंटर महिला की छात्री हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और पढ़कर कुछ बनने का भी शौक है। मेरे पिताजी गरीब परिवार से हैं, फिर भी मुझे पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। मैं पढ़ लिख कर आगे कुछ बनकर रहूंगी और कुछ करके दिखाऊंगी। आगे कुछ और कहना चाहती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ धानुक समाज की पढ़ने वाली सहेलियाँ मेरे साथ एक भी नहीं है, इसलिए क्योंकि कोई भी अपनी लड़की को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करती हूँ कि धानुक समाज की बेटी को स्कूल में उपस्थिति 95% बहुत लोग ऐसे धानुक समाज के लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने में संकोच करते हैं। वो ऐसा करते हैं तो अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। फिर भी उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार फिर से आप लोग बोल दीजिए कि धानुक समाज आगे बढ़े। आप लोग गर्व से कहिए कि हम धानुक हैं। साथियों, बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ इकट्ठा हो पाए और लंबा इतिहास सबको कुछ ना कुछ कहना भी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह शुरुआत अगर पहले से की गई होती तो आज बहुत कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। इतने दर्द हैं, इतने कष्ट, इतनी समस्याएं हैं कि उसका बखान करना, उसका विश्लेषण करना बिल्कुल संभव नहीं है। वो भी खास करके एक सम्मेलन में कि विचारों की गहराई तक हम उन बातों को ले जाएं कि हमारी समस्या क्या है। आज हम लोग संकल्प लेना चाहिए और संकल्प लेना है। अंतर विरोध तो समाज में रहेंगे ही, किस समाज में नहीं है, किस घर में अंतर विरोध नहीं है, हर घर में और हर समाज में अंतर विरोध। लेकिन मैं चूंकि हम सबका अगर नाम लेने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए हम अपने जो हमारे बाहर के आए हुए हमारे गेस्ट हैं, मैं उन बातों चूंकि सबको बोलना ही है, मैं सबको बढ़िया से परिचय और रूबरू आपको कराऊंगा, उन बातों पर अपना समय नहीं खर्च करते हुए
मैं चाहता हूं कि आप लोग जब यहां से जाएं तो कुछ मैसेज लेके जाएं, कुछ कार्यक्रम लेके जाएं। वो कार्यक्रम हमको देने हैं। आज हम लोग खड़े हैं तो इतिहास की चार बड़ी घटनाओं का हमसे जिक्र करना चाहें। आज जो हम लोगों की यह दशा है और इतना हम लोग आगे बढ़े हैं, इसमें इतिहास की चार बड़ी घटनाएं तो बहुत है। उस आंदोलन से हमारे समाज पर कोई असर पड़ा हो, मुझको ऐसा नहीं दिखता, और लोगों को दिखता होगा, मुझको नहीं दिखता। इतिहास की चार बड़ी घटनाएं क्या हैं? एक घटनाएं हैं भारतीय संविधान का निर्माण होना। भारतीय संविधान का निर्माण जब हुआ तो क्या हुआ? भारतीय संविधान निर्माण होने से पहले क्या था हमारे अधिकार, हमारे धर्म की क्या अधिकार थे? उस आदिकाल में हम लोग जब तीर चलाते थे हमारे, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतिहास की चार घटनाओं का वर्णन इसलिए करना चाहता हूं कि आज जो हम लोग यहाँ इतना दिन यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो हम लोगों को इस इतिहास की चार घटनाओं ने आज हमको अच्छा कहिए या बुरा कहिए यहाँ ला के खड़ा किया, नहीं तो यहाँ खड़ा होने के भी लायक हम लोग नहीं थे, क्योंकि मनुस्मृति के आधार पर हमारे पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं थे, कोई मौलिक अधिकार थे ही नहीं। इतिहास की ये घटना कि हम लोगों को सारे अनाजों को आज अनाज की बात नहीं करूंगा, ये सब प्रशिक्षण शिविर में इन सब बातों की चर्चा करूंगा, ऐसे लोगों को, ऐसे शूद्रों को, हम लोगों को तीन ही चार ही वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कहने के लिए हम लोग शूद्र कहने से अगर हमारा मन छोटा हो तो अलग बात है, हम आत्मबल बढ़ाने वाले लोग हैं और हम ये करना चाहते हैं। लेकिन इतिहास की एक घटना कि भारतीय संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान के निर्माण में क्या क्या अतिक्रमे, क्या क्या षड्यंत्र, क्या क्या साजिशें हुई, उनकी छोड़िए, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं रहते तो भारतीय संविधान का जो आज हम शुरू हमको देखने में नहीं मिलता। भारतीय संविधान निर्माण होने के बाद हम लोगों को फंडामेंटल राइट मिले। दूसरा जो मैं इतिहास की दूसरी बड़ी घटना देखता हूं बिहार के संदर्भ में, बिहार के धानकों के संदर्भ में, बिहार के अति पिछड़ों विभोलों के संदर्भ में, तो वो घटना हमको याद आती है कि मुंगेरीलाल कमीशन का लागू होना। और उस मुंगेरीलाल कमीशन को लागू होने के बाद जो आज अति पिछड़ों को धानों के इंजीनियर दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, प्रोफेसर दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, लेकिन घटना क्या है, कौन सी ऐसी घटनाएं हैं? इतिहास में सारे नाम दफन हो जाएंगे, लेकिन मुंगेरीलाल कमीशन के आधार पर जो सामाजिक न्याय अति पिछड़ों को मिला वो घटना थी। और किसने कराई, कौन था ऐसा आदमी? एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरा कर्पूरीलाल। तीसरी घटनाओं का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं, सारे प्रश्नों में वो घटना है मंडल कमीशन का लागू होना। लेकिन मुंगेरीलाल कमीशन मंडल कमीशन से पहले लागू हुआ, मुंगेरीलाल कमीशन लागू करने के लिए पिछड़ों अति पिछड़ों और शोषितों को जगाने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी ने एक ऐसा पृष्ठभूमि बना दिया था, एक ऐसा खेत तैयार कर दिया था, ऐसा फसल लगा दिया था, इसी जोश में मंडल कमीशन लागू हो गया। हमने सोचते कि मंडल कमीशन लागू होने से पहले हम लोगों ने इतनी गंभीरता से सोचा, यद्यपि मंडल कमीशन मुंगेरीलाल कमीशन को लागू कराने में, मैं अपनी कथा किसी प्रशिक्षण शिविर में करूंगा कि मुंगेरीलाल कमीशन को लागू कराने में हमारी क्या भूमिका रही, डॉक्टर श्रीधर ठाकुर की क्या भूमिका रही, ये सब चर्चा का विषय नहीं है। विषय यह है कि
कि आज जो हम लोग इस स्थिति में हैं उसके पैसे इतिहास की चार बड़ी घटनाओं का जो मैं जिक्र करना चाहता हूं और जिसके बदौलत आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के बोल रहे हैं नेशनल मेमोरियल हॉल के मंच से और निर्भीकता के साथ बोल रहे हैं, किसी डरते नहीं, निर्भीकता के साथ बोल रहे हैं। तीसरी घटना मंडल कमीशन का लागू होना, इससे और जो कुछ हो या ना हो लेकिन पिछड़ों को बोली मिली, इससे पहले कहां कोई बोलते थे और कुछ बोले मिले न मिले। और मंडल कमीशन के लागू होने के बाद जो सारे पिछड़ोवादी पिछड़ों ने जो विश्वास व्यक्त किया कि हमारा लीडर आप हो और इतनी बड़ी अपार सफलताएं मिली, लेकिन विश्वास तो 15 वर्षों तक किया, उनको करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया, उनको भी फल मिली। तीसरी चौथी घटना जो आज हम लोग हैं इकट्ठा, आज हमारे बहुत सारे सरपंच हैं, मुखिया हैं, वार्ड पार्षद श्री लाल महतो जी वहां के प्रमुख हैं, हमारे अध्यक्ष पूर्णिया जी अध्यक्ष। चौथी घटना है पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू होने और इन सारी घटनाओं में सबकी भूमिका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं नाम क्यों नहीं लेना, नाम ले लू, चलिए आप लोग समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये चार बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को सामाजिक न्याय आजादी के 60 वर्ष हो गए, 62 वर्ष हो गए, हम लोगों को आबादी के हिसाब से न्याय नहीं मिला। क्यों, हम क्यों कहते हैं आबादी के हिसाब से, इसलिए कहते हैं कि भारतीय संविधान का थीम क्या है, बहुमत का शासन, जो लोग ज्यादा होगा बहुमत का शासन, ये उसके थीम में उसके केंद्र में। लेकिन हम आज क्या देखते हैं, अल्पमत का शासन क्यों देखते हैं, यही समझाना चाहते हैं हम, और इसका उद्देश्य भी यही है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें। सामाजिक विश्लेषण होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमको अर्थ हो जाएगा, हमको पैसा हो जाएगा तो हम पढ़ा लेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हम शिक्षित हो जाएंगे, हम पढ़ लेंगे तो शिक्षित हो जाएंगे। अगर पैसा हो जाए और आप पढ़ा ले तो पहाड़ी में रामचंद्र बाबू को 20 बीघा जमीन है और 1 कट्ठे की कीमत 10 लाख है, अरबों के मालिक है, रामचंद्रेश्वर बाबू अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा पाए। इसका मतलब यह हुआ कि पैसा होने के बाद भी हम लोग शिक्षित नहीं हो पाए। कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षित हो जाएंगे तो हमको अधिकार मिल जाएगा, यह बात भी सही है लेकिन यह खंडित है हमारे ख्याल से, क्योंकि आप कैसे शिक्षित होइए, दो तरह की शिक्षाएं, दो तरह के स्कूल हैं, एक ऐसा स्कूल है जिसमें मास्टर नहीं है, मास्टर भी है तो कॉम्पिटेंट मास्टर नहीं है, आप कैसे पढ़ा लीजिएगा। कुछ लोग पढ़ जाने से सब थोड़े पढ़ जाएंगे, नहीं होगा, दो तरह की शिक्षा प्रणाली है। हमारे लोग जो दोयम दर्जे की जो शिक्षा है वही लोग ले सकते हैं, कितने लोग होंगे शैलेंद्र मंडल पढ़ा लें, कुछ ऐसे लोग जो बढ़ गए हैं अपनी प्रतिभा से, क्या उससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम आपको बताते हैं, समझाते हैं कि अगर ये सोचते हैं कि शिक्षित हो जाएंगे, ये तो बात गूढ़ की है, शिक्षित तो होना ही है, लेकिन आप चाह करके भी शिक्षित नहीं हो सकते। अगर शिक्षित होइएगा भी तो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य आप समझ रहे हैं जिस भावना से, जैसे कि शिक्षा का तो हम दूसरा मान मतलब समझते हैं, हम तो सीधे समझते हैं कि शिक्षा का मतलब प्रेम की प्राप्ति,
क्योंकि एकदम कबीरदास कह दिए, पोथी पर पर लगूंगा पंडित हुआ न कोई, ढाई आकर प्रेम का परिचय कुंडी। कहते हैं कि हम लोग के समाज में प्रेम नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षित नहीं है इसलिए प्रेम नहीं। तो अलग अलग खंडे, अभी ये युवा सम्मेलन की शिक्षित हो जाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इकोनॉमी आ जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तरह तरह की चर्चाएं होती रहती है। लेकिन मेरा मानना है, जो राजनीति की बात करते हैं कि राजनीति से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन कैसे बढ़िएगा? राजनीति का जो फंडामेंटल चीज है वो आप जानते हैं, राजनीति का फंडामेंटल चीज है पहले अपना आधार बना लीजिए। चूंकि आपको तो दिखाई देगा फलना पार्टी, दिखाई देगा ना कि लोजपा किसकी पार्टी, भाजपा किसकी पार्टी, कांग्रेस किसकी पार्टी, सब लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको समझा गए तब आपको समझ में आया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसकी गहराई तो हम लोग नहीं जानते। जनता दल यू किसकी पार्टी, राजद किसकी पार्टी, पार्टी क्या है? बंधुओं अगर समझ में नहीं आई तो आज समझ लीजिए, संगठित पार्टी, पार्टी जो हमको दिखती है वो दिखाई नहीं देती, वो ऊपरी बात है। इतनी बात यह है कि पार्टी पार्टी नहीं बल्कि संगठित जातियों का गिरोह है। जो जातियां संगठित है वो अंदर अंदर गिरोह बना लेती है और राज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को संगठित होना होगा अगर हमको राजनीति का कोई भी काम करने से पहले, ये हमारी सबसे पहले मजबूरी है कि हम लोग संगठित होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कोई कार्यक्रम बना सकते हैं। नहीं तो हम लोग इसी बहस में लग जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को कहा जाता है बेवकूफ कैसे बनाया जाता है कि पहले मुर्गी हुआ कि अंडा, आपको प्रश्न कर दे आप बहस में पड़ जाइएगा, आप कहिएगा मुर्गी हुआ तब ना अंडा हुआ, अंडा हुआ तब ना मुर्गी हुआ, जिसे आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि हमको उठना है, न्याय मिलना है। तो एक बात तो समझ को समझ में आ गई कि हम लोगों को संगठित होना है, यह पहला काम है। ये बात हमको समझ में आई इतने दिनों के संघर्ष के बाद, नहीं तो बहुत हम भी अति पिछड़ा वर्ग आंदोलन के लिए कई बार झेल गए और लोग देखा कि जो जातियां संगठित अति पिछड़ा वर्ग में भी जो आज ज्यादा संगठित होती जा रही हैं, ज्यादा लाभ ले रही हैं, अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि हुल्लर मचा हुआ सब अति पिछड़ा से सब पार्टी का, जो अति पिछड़ा का है वो प्रतिनिधि नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हमारे जात का 10 एमएलए एमपी मिनिस्टर ये हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा, वो आपका शोषण करेगा, क्योंकि वो आपका प्रतिनिधि नहीं है। प्रतिनिधि क्यों नहीं है? आपके हाथ में कुछ नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल तब होगा जिसको कहते हैं घोड़ा में लगाम लगाना, आप संगठित हो जाइए, आपकी प्रतिनिधि भी आपसे करेंगे, आपके ही जात के प्रतिनिधि आपसे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? काम आज दुनिया भर संगठित है, इसकी मजा ले, 15 तो उसका शासन नहीं रहा, इस भूमिया का काम नहीं हुआ कोई काम, क्यों था तो राजा का सरकार, क्यों? क्योंकि वो संगठित है। और इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा, निर्भीकता से सामना करना पड़ेगा, इसमें डरने की क्या बात है? वही लाना पड़ेगा मुंह में, और ये काम हम लोग मिलकर करेंगे। हमने 4-8 प्रस्ताव रखे हैं, हम बहुत चिंता करना चाहते थे,
लेकिन हम इतने ये नहीं है कि हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं मैं उनकी बात नहीं करूं, लेकिन फिर भी हमने कहा कि आप शिक्षित कैसे हो पाइएगा, नहीं हो पाइएगा। दो तरह की शिक्षा है, शिक्षा प्राप्त करके आप नया प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आज या धानो तूफान महासंघ की ओर से या सईद रामफल मंडल या इस व्यस्त गोष्ठी की ओर से हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू किया जाए। इसके लिए हम लोग सब मिलकर के लड़ेंगे, कोई अकेला नहीं। धानो भी लड़ेगा, पाल भी लड़ेगा, सब लड़ेगा। तो ये हम मांग करते हैं कि पूरे देश में, और जब सब चीज जातीय आधार पर होती है, सब जाति कहता है कि हमारा इतना परसेंटेज है, हमारा इतना इतना परसेंटेज है, सब भ्रम में डाले हुआ न्याय नहीं मिला। तो भाई जब न्याय नहीं मिल रहा है, जब जब न्याय देने की बात आती है तो कोर्ट कहता है कि भाई आप बताओ कितना परसेंटेज हो। इधर लोग कहते हैं अरे जात पात करते हो, जो संगठित जातियां हैं वो आपको कहेगा कि आप जात पात करते हो। वो असंगठित जातियों को समझाता है और खुद दिन रात तल्लीन रहता है। इसीलिए हम वर्ष 2011 की जनगणना को जाति आधार पर काम करने के लिए हम प्रस्ताव करते हैं। तीसरी जो हमारी मांग है, जो मूल मांग कि पूरे भारतवर्ष में हमारी जाति या तो शेड्यूल ट्राइब्स में है, 8 प्रांतों में शेड्यूल ट्राइब्स में है, बाकी प्रांतों में शेड्यूल कास्ट में है, लेकिन बिहार ही एक ऐसा देश है जहां हमारा बैकवर्ड पासेज एन एस ओ वन में है। बहुसंख्यक हम डाल जाते हैं, देखते हैं स्थिति, लोगों से बात करते हैं, लगता है कि किस युग में जी रहे। बहुत काम करना पड़ेगा। तो हम ये अनुमान करते हैं कि इस संपूर्ण भारत के शेड्यूल कास्ट में समान करो भाई, हमको भी दो। जब ब्राह्मण का कहा जब हमको करो तो हम लोगों को भी करो। ये मांग कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं मांग करने के लिए शैलेंद्र बाबू मांग करते हैं मिलता क्यों नहीं है। अरे भाई शैलेंद्र बाबू तो मांग करते हैं, लेकिन आप बगैर मांगे नहीं देते तो कैसे हो। हमको कहते हैं मांग करने के लिए, आप अगर बगैर मांगे दे देते हैं, कभी इसको देते हैं कभी इसको देते हैं, करते हैं तो मांग करते हैं, लेकिन ये मांग करने से नहीं होगा, तो ना होगा गुर्जर आंदोलन की तरह चलाना पड़ेगा। अगर तैयार है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। रमेश पटेल अध्यक्ष जी का हम पर्चे नहीं चाहते थे, ठेका पट्टा पर।